तो हाई एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आपने वीडियो देख लिया होगा एंड टूडे आई एम गॉन शेयर अ वेरी बैड स्टोरी अबाउट माई पी टी एग्जामिनेशन जैसे कि मैंने दो अटैम्प्ट दे है एंड आई डेंट गेट माई डिज़ायर बैंड और उसके पीछे का क्या रीज़न है एग्जैक्टली बिकॉज नाउ आई हैव अंडरस्टूड मैंने क्या गलतियाँ की और जो आपको नहीं करनी है ताकि आप लोग एटलीस्ट इतने अटैम्प्ट से बचो फर्स्ट पे क्लियर कर लो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस मैंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सेंटर लिया था वो लिया था पी एर्स टेस्ट में ही लिया था जो उनका ऑफिशियल है जो कि था नोएडा सिक्सटी सेक्टर पे फर्स्ट थिंग कि जब मैंने वहां पे टेस्ट किया था आपको माइक्रोफोन टेस्ट करने को देता है वहां पे मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि जो मेरी जो वॉल्यूम है मेरी जो आवाज वो प्रॉपर नहीं जा रही पता बताई थोड़ा नहीं नहीं ठीक होगा तो वहां पे मुझे लगा बट दैट वॉज माई मिस्टेक आई डेंट से यार ऐसा ऐसा हो रहा है प्लीज चेंज करो नई प्रोसीड माई टेस्ट विद द सेम माइक एंड बिकॉज ऑफ दैट आई रियली गॉट अ बैड स्कोर लाइक एनीथिंग एंड आई डेंट इवन अचीव 50 ओवरऑल एंड देट वॉज सो हार्ड ब्रेकिंग रिजल्ट मुझे ऐसा लगा था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया एंड आई गेट एटलीस्ट सिक्सटी फाइव मुझे रीडिंग में थोड़ा सा टेंशन था रीडिंग में मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी बट आई डेंट अचीव दैट एंड आई गोट ओनली फोर्टी एट और फोर्टी नाइन समथिंग यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एंड द इश्यू इज़ की माइक एंड देन कुछ गलती मेरी यहाँ पर राइटिंग में हुई है। राइटिंग में मेरी सबसे पहले फिलअप वगैरह मैंने प्रॉपर नहीं दी क्योंकि वहाँ पर जो टाइम होता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी, जल्दी जा रहा था उसे मैं मैनेज नहीं कर पाई द सेम मिस्टेक विच आई हैव डन ऑन माई आई एल्स एग्जाम एंड दूसरी चीज ना जब आप सेपरेट सेपरेट सेक्शंस में टेस्ट देते और आप इकट्ठा मॉक टेस्ट देते तो, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है ये मैंने चीज़ क्या किया था जो मैं प्रैक्टिस करके गई थी मैंने पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेक्शन के मॉक टेस्ट दिए थे बट मैंने पूरा मॉक टेस्ट नहीं दिया था जिस वजह से जब मैं रीडिंग में पहुंची और लास्ट टाइम बचा था दो या तीन मिनट तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो दो और तीन मिनट है ना वो मेरे नेक्स्ट मॉड्यूल के भी जिसमें राइट फ्रॉम डिक्टेशन भी आती तो वो इसमें कवर अप होनी है और जल्दी जल्दी करके मैंने वो मॉड्यूल खराब कर दिया देन आई गॉट टू नो कि नहीं वो स्पेसिफिक टाइम उसके लिए था भले ही मुझे पता था बट आई गॉट विट कन्फ्यूज और दैट टाइम क्योंकि मुझे ही समझ नहीं आ रहा था कि कितने मॉड्यूल हो चुके हैं मैं क्या क्या क्वेश्चन कर चुकी हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम में ना नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है और यूज टू नहीं थी मॉक टेस्ट के तो ये फर्स्ट गलती थी और प्लस माइक का मैंने आपको बताया फिर नॉट श्योर की आपका माइक ठीक नहीं है तो तो आप अपना माइक जरूर चेंज कराना सेम माइक से कंटिन्यू मत करना एंड अनदर थिंग की जो रीड अलाउड था वो मैं बहुत फास्ट बोल रही थी एंड द रीजन बिहाइंड इट आई नो की फ्लूएंसी चाहिए थी वहां पर स्पीड नहीं बट जिस सॉफ्टवेयर uh, से मैं चेक कर रही थी प्रैक्टिस कर रही थी वहां पर मुझे अच्छे मार्क्स मिल रहे थे दैट इज द रीजन मैंने सेम स्ट्रेटेजी अपनाई बट नो दैट वॉज रॉन्ग आप स्पीड पे तो बिल्कुल ध्यान मत देना कि आपको बस स्पीड पे जाना है जितना स्पीड पर जाओगे ना ए आई कुछ भी नहीं समझ पाएगा और आपके मार्क्स चले जाएंगे एक सेक्शन में और गलती थी मेरी जो मुझे पता है गाइज जैसे आपको ऑडियो मिलती है आपको ऑडियो ट्रैक हो रहा होता है और आपको वहाँ पे सेक्शंस में फिलअप करने होते हैं तो वो फिलअप काफ़ी ज़्यादा जल्दी चले गए और फर्स्ट में कर पाई सेकंड मेरा छूट गया वो पूरा ही छूट गया जिस वजह से मेरे स्कोर कम आए और मुझे ऐसा लगा था कि मैंने अच्छा दिया है मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे बट आए आई डेंट स्कोर इन एंड आफ्टर दैट आई टुक वन मंथ ऑफ प्रिपरेशन जहाँ पे मैंने प्रिपरेशन करके फिर से टेस्ट देने गई विद द सेम सेंटर और उस टाइम मैंने माइक चेक किया सब कुछ सही से चल रहा था उस टाइम मेरे टाइम पर रीडिंग मुझे थोड़ी सी हार्ड लगी और अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब ओके ओके था बिकॉज ए आई पे ना बिल्कुल श्योर नहीं थी कि, कि किस बेसिस पे मुझे अब मेरे नंबर देने वाला है बिकॉज फ्लुएंसी पे मैं काफी ज्यादा आ चुकी थी मेरी स्पीड तो कम हो गई थी बट स्टिल कुछ कुछ चीजें वहां पे रह रही थी क्योंकि मैंने रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी बट पता है मेरे सेकेंड में मार्क्स आ जाते द टोटल थिंग इसकी मेरे जो दो मार्क्स रुक रहे थे ना जो दो बैंड मेरे फिफ्टी सिक्स आए मेरे फिफ्टी एट आने चाहिए थे वो इसलिए नहीं आए जे आई रियली फेल्ट दैट कि उस टाइम भी मुझे साइनक का मतलब मुझे इशू है जेनेटिक दैट इज लाइक कि आपको अगर कोल्ड होता है यू विल फेस अ प्रॉब्लम लाइक रनिंग नोज एंड स्नीजिंग एंड जिस वजह से मेरा जो थ्रॉड था मुझे ठंडा लग गया था काफ़ी और थ्रॉड की वजह से मैं मेरा स्पीकिंग बिल्कुल बेकार गया और मेरा स्पीकिंग बिल्कुल बेकार होने की वजह से मेरे थोड़ा जो मॉड्यूल में मार्क्स थे वो कम हो गए एटलीस्ट अदरवाइज अगर मेरा थोड़ा सा थ्रॉट वगैरह का इशू नहीं होता तो मेरे स्पीकिंग में मार्क्स आ जाते थोड़े से ज़्यादा और आई गेफ़ कवर्ड ऑलमोस्ट फिफ्टी एट बट नहीं हो पाया आई गॉट ऑनली फिफ्टी सिक्स ओवरऑल तो मेरे जैसे से बहुत सारे लोग होंगे जो रीडिंग में ज़्यादातर स्ट्रगल कर रहे होंगे स्पेशली उन लोगों के लिए एक मैं सजेशन देना चाहती हूँ कि आप ना रीडिंग के एज मच एज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना आप कर सकते हो क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां पर टैकल करना अगर आप सोचते हो कि सिर्फ ऐसे और समराइज रिटर्न टैक्स से आप रीडिंग में मार्क्स ले आओगे तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको और मॉड्यूल्स भी चाहिए और रीड अलाउड जो आपका कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपकी स्पीकिंग पे एज वेल एज आपकी रीडिंग पे तो रीडिंग में मार्क्स कमा रहे तो आपका रीड अलाउड अच्छा होना चाहिए मेरे सेकेंड पे थोड़ा सा हार्ड था बट मुझे था कि हो जाएगा काफी अच्छा दिया था बट अगेन वैसे तो मेरे मार्क्स मार्क्सिक्स ओवरऑल था नो बैंड लेस नोबेल थ्री और फिफ्टी फोर आई गेस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बट अगेन आई गोड हार्ट ब्रेक की मुझे यहाँ पे फिर से मार्क्स कम है और मुझे यहाँ पे 58 एट ओवरऑल चाहिए मेरी यूनिवर्सिटी की कंडीशन को कम्पलीट करने के लिए एंड देन आई स्टॉप मई सेल्फ की चलो थोड़ा सा वेट कर लो और अभी मैंने नेक्स्ट ट्विस्डे का एक हफ्ते बाद का ही पेपर दिया है एंड आई श्योर इस बार ही हो जाएगा बट द दिंग्स विच हैव डन रॉन्ग ऑन माय प्रैक्टिस दैट इज कि गलत सॉफ्टवेयर से आप बिल्कुल प्रैक्टिस मत करना सेकंड चीज लक पे मत जाना कि रीडिंग अच्छी आ जाएगी तो मैं कर लूंगा नहीं है क्योंकि आपको एटलीस्ट हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपको फिफ्टी परसेंट एटलीस्ट करना है और थर्ड थिंग कि आप जितना मॉक करके जाओगे उतना अच्छा होगा फर्स्ट में मेरे फोर्टी एट समथिंग थे इस बार मेरे जो सेकंड अटेम्प्ट में आए हैं वो फिफ्टी सिक्स हैं क्योंकि मैंने वन मंथ फुल मॉक टेस्ट दिए हुए थे फुल मॉक टेस्ट और उससे मुझे इम्प्रूवमेंट लगी बट ऐसा हो सकता है कभी कभी आपका बैड लक होता है या कुछ कंडीशन होती है तो ये मुझे ऐसा लगा कि सेकेंड अटैम्प मेरा इजिली क्लियर हो जाता बिकॉज आई हैव डन अ लॉर्ड ऑफ मॉक टेस्ट और मेरे मॉक टेस्ट में 68, 65 आ रहे थे और मैंने कहाँ से मॉक टेस्ट दिया सेकंड में guys, वो मैंने दिया एपी यूनि से तो गए सेकेंड पे मेरा पेपर ठीक किया था टू भी वेरी ओनस मुझे अच्छा लगा कि मेरा पेपर अच्छा गया है बट अगेन मेरे दो मार्क्स रह गए थे एल लेट यू नो के कितना आया था बट इशू वॉज वेरी सिंपल कि मुझे कुछ ऐसे जेनेटिक इश्यू था कुछ फीवर एंड साइना की वजह से मेरे मार्क्स कम आए थे अगर ये चीज़ नहीं होती तो डेफिनेटली मेरे फिफ्टी एट से ऊपर आते और मेरा सेकंड में ही क्लियर हो जाता तो मैं काफ़ी शॉर्ट थी कि नहीं मेरे मार्क्स आ जाएंगे इसलिए मैंने अभी थर्ड अटैम भराया मीन्स दो एक हफ्ते बाद है नेक्स्ट कमिंग डेज में दो तीन दिन में मेरा पी टी हो जाए देन एल लेट यू नो की एक्जैक्टली क्या सीनारी हाउ मच मार्क्स आई हैव गॉट बट अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगी आप अभी पीटी देने मत जाओ एटलीस्ट मॉक टेस्ट करो एपी यूनि का सब्सक्रिप्शन ले लो और या फिर अल्फा पीटी का सब्सक्रिप्शन ले लो और उसमें से करना शुरू करो और अगर आपके पास वन मंथ का टाइम है तो वन मंथ टोटल एटलीस्ट एक दिन में एक मॉक टेस्ट करो विदाउट मॉक टेस्ट करें आपको ना इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी तो, सेक्शन वाइज टेस्ट देने में और मॉक टेस्ट देने में बहुत ज्यादा अंतर है जो मिस्टेक मैंने किया वो आप मत करना मैंने सिर्फ सेक्शन वाइज अटेम्प्ट किया था जिस वजह से मुझे सेक्शन तो समझ में आ रहे थे बट वो टाइमिंग की वजह से सारा ऊपर नीचे हो गया एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ वहां जाके ना बहुत नर्वसनेस होती है नर्वसनेस इन द सेंस कि आपको लगेगा कि यार ये गलत ना हो जाए ऐसा ना हो जाए नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं बट जितना फ्रीली माइंड से आप जाओगे उतने अच्छे मार्क्स आप दोगे फर्स्ट पेपर में मैं बहुत नर्वस होके गई थी कि यार होगा नहीं होगा बट सेकंड में ना थोड़ा सा मुझे था कि नहीं मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं आ जाएगा बट आई हैड अ फीलिंग लाइक कि यार अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी और आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन कि यार चलो दोबारा दे देंगे एंड ऑल क्योंकि वो चीज़ मैंने सोची नहीं बट अगेन आई गोट लेस मार्क्स एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इशू अगर वो मेडिकल uh, इश्यू वाला कंसर्न नहीं होता तो डेफिनेटली मतलब दो तीन बार मेरे आराम से जाते स्पीकिंग में बढ़ जाते बट दैट इज ऑल्सो फाइन नेक्स्ट टाइम देखेंगे आई जस्ट वॉन्ट टू से वन मोर थिंग कि गाइज अगर आपका पीटी दो तीन अटैम्प में नहीं निकल रहा एल्स अटैम्प में नहीं निकल रहा है तो डोंट फील बैड डोंट फील डिप्रेस क्योंकि पता है क्या है ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं यू आर नॉट अलोन इन दिस फाइट और यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार ये चीज सबके साथ होती है मे बी एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं बट एक ना बार एक बार आपका हो जाएगा सही स्ट्रैटेजी के साथ एंड नाउ यू कैन से दैट कि मैंने इतनी प्रैक्टिस के बाद भी मेरे इतने मार्क्स आए मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ मेरे भी फॉल्ट रहे हो सेकंड वाले में सेकंड में मेरी रीडिंग अच्छी नहीं रही थी बट स्टिल मुझे था कि मार्क्स आ जाएंगे जिससे सबसे मेरे मॉक में आ रहे थे मार्क्स टेस्ट देके जाओ अच्छे से प्रिपरेशन कर लो एक्स्ट्रा टाइम ले लो हरी अपना पेपर बिल्कुल भी आउट मत करना और वहां एक चीज का याद रखना इतना ज्यादा शोर होता है रीडल आउट में कि आपको ना समझ नहीं आता है कि आप बोल क्या रहे हो फंबल होता है उस चीज़ की प्रैक्टिस पहले से ही करना अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो क्योंकि मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी तो मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का सुना था मैंने कि इतना मतलब नॉइस वगैरह होता है बट नहीं आइडिया था तो ये चीज़ आप ध्यान रखना बाकी कोई नहीं होता है मतलब फर्स्ट नहीं सेकेंड नहीं तो थर्ड अटैम्प्ट में हो जाएगा दैट्स ऑल फाइन क्योंकि बस एक यही लाइक क्राइटेरिया जो आपको मीट करना है यूनिवर्सिटी का बाकी तो सब डेफिनेटली हो जाता है अगर आपकी सारी चीज़ें जैनवन है सो दैट्स ऑल अबाउट द माई लाइक अपडेट ऑन द पी टी सो आई लेट यू नो आफ्टर सम फ्यू डेज़ कि मेरा पी टी एग्जाम कैसा गया एंड वट वॉज अपडेट ऑन दैट एंड आई होप आई क्रैक माई पी टी ऑन थर्ड टाइम एटलीस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लग गया काफ़ी मतलब महंगा है यार एग्जाम इसको ऐसा नहीं से सकते आप दो दो हज़ार का है तो दस बार दे लो मतलब दो बार अगर आप दे रहे हो ना तीसरे बार आप दस बार सोचोगे कि मैं दू ना दू क्योंकि फर्स्ट एंड second तो चलता है बट तीसरे बार देने में ना इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से और फिर चलो अगर थर्ड निकल गया तो फाइन नहीं निकला ना तो इशू है तो बट बेस्ट ऑफ लक टू ईश ऑफ यू एन मी की ये इस बार ही सही से शॉर्टेज हो जाए और अगर पी के आप भी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर sure सारी चीजें अच्छे से करके जाना प्रैक्टिस कर जाओ एंड यू विल गट यू डिजायब एंड सो दैट्स ऑल अबाउट टू डेज का लगाओ तो डोंट फर्ग टू लैस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बाई टेक केयर हैव अ ग्रेट डे